मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन आज का टॉपिक है हमारा। मुझे आपको सिखाना है कि सर ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में चलते हैं। एप्रोप्रिएशन अगर हम बात करें 11th क्लास की, 11th क्लास में एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स। उसके अंदर आप कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत याद होगा, उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। बेटा 11th की बातें हैं, अगर याद नहीं भी है तो भी नो नीड टू वरी। मैं हल्का हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे आता था ओपनिंग स्टॉक, फिर आती थी यहाँ पे परचेजेस। मैं सारी आइटम्स नहीं लिख रहा, कुछ काम की बातें लिखूंगा। यहाँ आते था सेल्स और फिर यहाँ पे आता था क्लोजिंग स्टॉक। बस वैसे तो और भी चीजें आती थी बट 11th है इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे थे। यहाँ पे जो डिफरेंस आता था लास्ट, उस डिफरेंस आपको पता है बच्चे क्या कहते थे? एनीवन नोस जो डिफरेंस आता था उसे क्या कहते थे? किसी को पता है डिफरेंस? बट 11th क्लास की बातें हैं ये, मुझे पता है सारा ऑनलाइन में सब कुछ खराब हो गया बट काश भी संभव कुछ बच्चों को पता है। यहाँ पे जो डिफरेंस आता था उसको बोलते थे हम ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर डिफरेंस आ जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। उसके बाद अगर हम 11th की ही बात करते हैं, अभी मैं 12th में नहीं आया, 11th में एक और अकाउंट बनाते थे जिसका नाम होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था, इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे क्रॉस में ट्रांसफर करते थे, और अगर ग्रॉस लॉस होता था तो आप यहाँ ट्रांसफर करते थे। आप यहाँ पे लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां से प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अगर लॉस होता तो यहाँ आ जाता। इसके अलावा यहाँ पे क्या आते थे? यहाँ पे सर बड़े सारे खर्चे आते थे, एक्सपेंसेस। इधर बड़ी सारी इनकम्स आती थी। तो ये हम अभी तक 11th की बातें चल रही हैं, और फिर इसको भी हम टोटल करते थे। बाकी सारी कहानी सेम, ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है। अब आप मुझे बताएं क्या आपको पता है लास्ट में यहाँ पे क्या बचता था? यहाँ पे डिफरेंस आता था उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट, और अगर इधर डिफरेंस आ जाए, वेरी गुड, तो उसको बोलते थे नेट लॉस। दोस्तों ये सारा कुछ 11th की कहानी थी, तो 11th की कहानी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अब फोकस करेंगे 12th क्लास पर। 12th क्लास में आपको एक नया अकाउंट सिखाया जाता है और वो अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नई चीजें जरा आराम से समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर सीक्वेंस क्या होता है? अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर पीएनएल बनाते हैं, और लास्ट में क्या बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हर बिजनेस का यही सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस से आपको एक बात क्लियर हो गई, मैंने आपको एक एमसीक्यू बता दिया। एक एमसीक्यू क्या है? मीनिंग ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर पेपर में आता है डेफिनेशन बताओ तो आप बताएंगे डेफिनेशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसकी डेफिनेशन है। मैंने आपको क्या लिखवाया? P&L appropriation क्या है? It is an extension. Extension मतलब P&L के बाद बनता है। Extension किसका है? P&L account। तो मैंने आपको definition बता दी। कई बार question आता है MCQ के अंदर, P&L appropriation real है, nominal है, personal है? तो मैं इसका भी answer दे देता हूं। इसका जो nature होता है वो होता है nominal account। क्यों nominal होता है? नॉमिनल का रूल होता है कि यहाँ पे
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड. तो नॉमिनल का रूल होता है सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. तो इसीलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को कौन सा अकाउंट बोला जाता है? नॉमिनल. पी एंड एल अकाउंट 11th क्लास में है उसको भी नॉमिनल बोला जाता है. ट्रेडिंग जो है उससे भी नॉमिनल बोला जाता है. मेरा मेजर फोकस रहेगा यहाँ पे. मैंने अभी तक आपको दो एमसीक्यूज बता दिए. डेफिनेशन बता दी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या है. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल. पी एंड एल के बाद बनता है. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है मैंने बता दिया. नॉमिनल. नॉमिनल का रूल क्या होता है? एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इनकम्स आर क्रेडिटेड. और आगे चलते हैं. अब सर बेसिकली अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ये आता है एग्जैक्टली अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है. तो अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स. ये अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है. कभी भी आपसे कोई पूछे अप्रोप्रिएशन होता क्या है तो आप बताएंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है. किसका डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉफिट्स का अमंग पार्टनर्स. तो ये अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है. हिंदी में बोलते हैं विभाजित करना. विभाजित मतलब अप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट्स के अंदर. तो मैंने आपको अप्रोप्रिएशन के बारे में बहुत कुछ बता दिया. अब चलते हैं जरा फॉर्मेट पे. पहले फॉर्मेट समझते हैं सर. फॉर्मेट क्या कहता है? ये देखिए ये आपके सामने एक रेडीमेड फॉर्मेट है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. सबसे पहले अगर आप मेरे साथ ऊपर चलें, ये ऊपर कौन सा अकाउंट है? 11th क्लास का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर आप चेक कर सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ग्रॉस प्रॉफिट. सीधा मैंने पी एंड एल दिखाया है. फिर यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस लिखे हैं. कंपेयर कर लेते हैं जरा यहाँ से. ये देखिए पी एंड एल अकाउंट एक्सपेंसेस हैं. यहाँ क्या है? इनकम्स हैं. और लास्ट में क्या आता है? नेट प्रॉफिट. तो ये आ गया लास्ट में नेट प्रॉफिट. और सर ये जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है ट्रांसफर. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था ऐसे नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है बाई नेट प्रॉफिट. और फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है. तो जरा देखें एक बार सर. जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया था मैंने नीचे लिख भी दिया टीएफ का मतलब ट्रांसफर. ट्रांसफर टू मैंने कहाँ ट्रांसफर करा है? इसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है. इट मीन सर यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो फाइनली कहाँ चला जाएगा? वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा अप्रोप्रिएशन में क्रॉस में. और मैंने यहाँ भी लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है. कहाँ से आया है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम. कहाँ से आया है? पी एंड एल अकाउंट से. पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया. 11th क्लास से हम कहाँ पहुंच गए हैं? 12th क्लास में. उसके बाद इस फॉर्मेट में क्या क्या आता है एक बात हमेशा याद रखना. अभी बताया था मैंने अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. एक एक वर्ड पे ध्यान देना. अप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में. इट मींस सर यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी वो सारी चीजें किसे मिलेंगी? पार्टनर्स को. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है? पार्टनर. ए और बी क्या है? पार्टनर. पार्टनर की सैलरीज, पार्टनर का कमीशन. ए और बी पार्टनर है. ये क्या चीज है सर? रिजर्व. ये भी मैं बताऊंगा आपको रिजर्व क्या होता है. रिजर्व को भी पार्टनर में ही बांटते हैं. और लास्ट में बचता है प्रॉफिट. इधर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये भी किस में है? पार्टनर्स. तो सब कुछ किसको मिलेगा? पार्टनर्स में. अब मैं आपके साथ ये मैं आपको सिखा चुका हूँ हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. हमने बहुत टाइम लगाया था. मैंने आपको वीडियोस भी दी थी. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमने आपके साथ ये भी डिस्कशन कर लिया था. मैंने आपके साथ कमीशन बिफोर आफ्टर करना भी आपको सिखा दिया था. तो हम ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें कर चुके हैं. और लास्ट में सर जो प्रॉफिट बचता है जो लास्ट का प्रॉफिट होता है
उस प्रॉफिट को पार्टनर्स बांट लेते हैं, और इस प्रॉफिट को बोलते क्या है? पहला वर्ड तो सर इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? इस प्रॉफिट को बोला जाता है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेबल, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये वाला जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में। कुछ बुक्स में लिखा होता है दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस तरह से एप्रोप्रिएशन बनाना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, उसमें फिगर्स डाल के दिखाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि सर कैसे कैसे करना है क्वेश्चन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ अभी इनके बारे में और चर्चा करते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पहले मुझे ये बताएं अभी तक मैंने जितना बताया है, एनी डाउट्स? आपके पेपर में और आपकी बुक में दो वर्ड्स दिए होते हैं जो बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज होते हैं, और ये हर साल आपके स्कूल में पूछा जाता है कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या। तो पहले इन दो वर्ड्स को समझ लेते हैं और फिर हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज एंड व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन? चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी, कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी पेमेंट का क्या मतलब? अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो भी आपको देना पड़ेगा, और अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड चार्ज। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, हमारे इंस्टीट्यूट का जो रेंट है, आप मुझे क्वेश्चन बताओ बेटा, इंस्टीट्यूट का जो हमारा रेंट है, इंस्टीट्यूट अभी पूरा मई मंथ एक भी बच्चा नहीं आया बिकॉज ऑफ कोविड कोरोना, एक भी बच्चा नहीं आया, बट मेरा सारा सामान इंस्टीट्यूट में पड़ा हुआ है। क्या मैं मई मंथ का रेंट मुझे पे करना पड़ेगा? मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, एक भी स्टूडेंट नहीं आया, क्या मुझे मई मंथ का रेंट पे करना पड़ेगा? मन्नत का आंसर आ गया युक्ति संजना काश भी। खुद आप सोचो प्रैक्टिकली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे लॉस हुआ, एक भी स्टूडेंट नहीं आया, क्या मई मंथ का देना पड़ेगा? यस यस, बिल्कुल सही आंसर है, यस इट इज अ कंपलसरी पेमेंट। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज चार्ज। यानी चार्ज का मतलब है कंपलसरी पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको चार्ज का, भी कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब अगर आपके पास प्रॉफिट है तो दे दो, बट अगर आपके पास लॉस है तो बिल्कुल मत देना। अगर आपके पास लॉस है तो बिल्कुल मत देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम ही एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन स्टार्ट ही कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट है, आई रिपीट, अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट दे दो, पार्टनर को सैलरी दे दो, पार्टनर को कमीशन दे दो, सब दे दो अगर प्रॉफिट है। बट अगर लॉस है तो कुछ नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है याद करने का। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट में हम दो पार्टनर हैं, एक मैं हूं और एक गौरव सर, दो पार्टनर हैं। गौरव सर का काम है कि वो इंस्टीट्यूट में ज्यादा टाइम तक बैठेंगे, यानी इंस्टीट्यूट में गौरव सर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। अब गौरव सर कह रहे हैं मैं इतना टाइम इंस्टीट्यूट में बैठता हूं, मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? तो हमने कहा गौरव सर हम आपको सैलरी देंगे। यानी गौरव सर कौन है? पार्टनर है, और उन्हें क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। अब क्वेश्चन ये है, सोच के बताना, मई मंथ में एक भी बच्चा नहीं आया, एक भी बच्चा नहीं आया, यानी सर लॉस चल रहा है, क्या गौरव सर को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सोचो जरा आप।
गौरव सर कह रहे हैं कि नहीं मैं इंस्टीट्यूट में बैठूंगा, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। बेटा किस बात की सैलरी, ये लॉस होता किसका है, ये लॉस पार्टनर का होता है, मेरा और गौरव सर का है, तो उनको किस बात की सैलरी, लॉस है उल्टा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन। तो आपको मीनिंग समझ आ गया चार्ज और अप्रोप्रिएशन का। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें आती हैं, वो सारी अप्रोप्रिएशन है। तो चार्ज कहाँ आता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीजें आती हैं, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, वो चार्ज है, वो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन का आंसर देना। हमने SBI से लोन ले रखा है, SBI बैंक से लोन ले रखा है, और उसका हमें हर महीने देना होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। मुझे एक बात बताओ, मई मंथ में एक भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया, क्या मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा? यस सर, सोचो आप भी, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सोचें, क्या मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, यस और नो? ऑफ कोर्स बेटा, SBI को इससे क्या मतलब कि आपके इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर SBI ने लोन दिया है, यू नीड टू पे इंटरेस्ट, वेदर प्रॉफिट और लॉस, इट मींस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इसीलिए क्या बन गया, चार्ज बन गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये दिल्ली के अंदर हमारा घर है, तो दिल्ली में जो हमारा घर है वो अभी खाली पड़ा हुआ है। क्यों खाली पड़ा हुआ है? क्योंकि हम शिफ्ट हो गए हैं नोएडा में। जितना ज्यादा आप मेरे साथ प्रैक्टिकली समझेंगे, आपको इजी रहेगा अकाउंट समझना। तो दिल्ली से हम कहाँ शिफ्ट हो गए हैं? नोएडा में। इसलिए दिल्ली वाला घर अभी खाली पड़ा है, वैकेंट है। एक बात बताओ, घर तो खाली है, जब आपका घर होता है तो आपको उसके ऊपर हाउस टैक्स देना पड़ता है। अब आप सोचो, क्या गवर्नमेंट को हमें हाउस टैक्स देना पड़ेगा? घर खाली पड़ा हुआ है, आप बताओ क्या हाउस टैक्स देना पड़ेगा हमें गवर्नमेंट को? जपनीत का आंसर आ गया, मन्नत सिमरन शाइना। आप सबको बड़ी जल्दी जल्दी समझ आ रहा है, इतनी जल्दी जल्दी आपको कैसे समझ आ रहा है? इसका मतलब आप सब बच्चे कहीं और भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। हाँ, मुझे डाउट हो रहा है। वेरी गुड बेटा, सब बच्चों का आंसर सही है, यस। हाउस टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, जगह खाली हो या ना हो, तो हाउस टैक्स भी। हाँ बस कह रहे हैं सर, आप ही से पढ़ रहे हैं हम बस। चलो वेरी गुड बेटा, सब बच्चों को बात समझ आ गई चार्ज का मतलब। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा। मैंने आपको चार्ज और अप्रोप्रिएशन का मतलब बता दिया, और मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये डिबेटेबल है। डिबेटेबल का मतलब TS ग्रेवाल सर कुछ और कहते हैं, DK गोयल सर कुछ और कहते हैं, NCERT का अभी तक पता नहीं NCERT क्या कहती है, और CBSE अभी तक साइलेंट है। सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, डिबेटेबल इश्यू है, और मैं कुछ और कहता हूं। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इन सब के अंदर आप सबका क्या आंसर है? मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या होना चाहिए, आपने लॉजिकली बताना है। और क्वेश्चन ये है, इनकम टैक्स, बेटा सरकार को टैक्स दिया जाता है इनकम पर, गवर्नमेंट को, सोच के बताओ, टेक योर टाइम। इनकम टैक्स दोस्तों चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, सोच के बताना। डिबेटेबल इश्यू है दोस्तों बहुत, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सही हैं या गलत हैं, बट मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है, चार्ज है या अप्रोप्रिएशन? सोचो आप, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना।
सारे बच्चे बोल रहे हैं चार्ज है, सारे बच्चे चार्ज बोल रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, टीएस ग्रेवाल सर भी चार्ज ही बोल रहे हैं बेटा, टीएस ग्रेवाल सर भी चार्ज बोल रहे हैं, बट मैं चार्ज नहीं बोल रहा, मैं कहता हूं इसको पढ़ो ध्यान से। टैक्स किस पे लगता है? इनकम पर। इनकम का मतलब अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट आप सोचो आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो भी क्या आप सरकार को इनकम टैक्स दोगे? बेटा जब लॉस हो रहा है तो किस बात का टैक्स? इनकम के ऊपर टैक्स लगता है ये। इनकम है तो दो, लॉस है तो नहीं दो। और ऐसा करने से ये हमारा क्या बन जाता है? अप्रोप्रिएशन। तो मैं और कुछ लोग अप्रोप्रिएशन बोलते हैं, टीएस ग्रेवाल सर इसे चार्ज बोलते हैं। तो ये दोस्तों डिबेटेबल इश्यू है, ना आप गलत हो ना हम गलत हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बताओ पेपर में क्या करना है? बेटा पेपर में मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इस पे डिबेट चल रही है। तो ऐसी चीजें जिसके बारे में सीबीएसई को पता है, कंफ्यूजन है, वो ऐसी चीजें नहीं डालते। तो आप फ्री रहना, आपके स्कूल में अगर आपके टीएस ग्रेवाल सर की बुक है तो शायद वो चार्ज बोलेंगे, अदरवाइज मेरा लॉजिक ये है प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दिया जाता है, लॉस के ऊपर इनकम टैक्स नहीं दिया जाता। मेरे अकॉर्डिंग क्या है ये? अप्रोप्रिएशन है। हम आगे चलते हैं, पेपर में नहीं आएगा, नो नीड टू वरी, ना आपके स्कूल में पूछेंगे, इतना डिटेल में कोई नहीं जाता। दोस्तों अगर बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट 11th क्लास का है, पी एंड एल भी 11th का है। आपने क्या सीखना है आज 12th क्लास में? आपने क्या सीखना है? आपने सीखना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सीखना है आपने। बट मैं आपको बताऊं कुछ 11th की बातें आपको 12th में याद रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं आपको याद नहीं करने, बहुत होते हैं एक्सपेंसेस। आपको सिर्फ 12th क्लास में तीन एक्सपेंस याद रखने हैं दोस्तों, इनकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है आपके लिए। 12th सिर्फ तीन ऐसे एक्सपेंस है जिनको आपको याद रखना है, बस ये तीन एक्सपेंस याद रखने हैं और ये अप्रोप्रिएशन याद रखना है, दैट्स इट। मैं ये तीन एक्सपेंस आपको दिखा देता हूँ। रीजन बिहाइंड दिस, बार बार सीबीएसई पूछ रही है। जैसे ये देखें आपके पास पी एंड एल है, पी एंड एल का मतलब ही क्या होता है? पी एंड एल का मतलब होता है चार्ज, याद रखना पी एंड एल का मतलब है चार्ज। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बट हम तीन एक्सपेंसेस को बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। पहला एक्सपेंस रेंट पेड टू अ पार्टनर, पार्टनर को हमने किराया दिया है, पार्टनर को हम रेंट कब पे करते हैं? जब हम पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं बिजनेस के लिए, तब हमें उन्हें रेंट देना पड़ता है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर ने लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये भी हमारा क्या बन गया? चार्ज। और थर्ड पॉइंट क्या है? मैनेजर को कमीशन। बस तीन पॉइंट सीबीएसई बार बार पूछ रहा है इसलिए मैंने तीनों पॉइंट्स को अलग रख दिया है, बाकी 11th क्लास तक कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। यहां तक बात हमारी खत्म हो गई। मैं अब आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और फिर हम आपके कुछ डाउट्स भी लेंगे। अब मैं आपके साथ एक असाइनमेंट का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा हाउ टू प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी हमने क्या सीखना है 12th क्लास में? हमने सीखना है ओनली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा करो, लास्ट में क्या लिखा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन जरा आराम से पढ़ते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है दोस्तों, एक पहला क्वेश्चन है, बहुत फोकस रखना। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव अप्रोप्रिएशन वॉज 1,80,000।
इट मीन्स नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। मेरे साथ साथ जरा आप समझे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे लिखा, हमें ये दे रखा है आप, इट मीन्स सर आपका क्वेश्चन था क्या हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो नहीं बनाना। इस क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वर्ड की इंपॉर्टेंस समझें, ये 1,80,000 दिया हुआ है, और अगर ये 1,80,000 दिया हुआ है तो ये कहाँ चला जाएगा, मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, ये आपके साथ कहाँ पे आ जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा 1,80,000। ये हमने पहली चीज सीख ली किस तरह से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ जिससे कॉपी हमारी पूरी आ जाए। चलिए इतना समझ आ गया, और आगे चलते हैं धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। यहां दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए की इंटरेस्ट है 700, बी का है 300। आराम आराम से चलते हैं। ए का इंटरेस्ट है 700, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 300, तो टोटल मैंने बाहर लिख दी आउटर कॉलम में 1000। बेटा एक बार सीख लें फिर हम स्पीड मेंटेन करेंगे ध्यान से। दिया हुआ था हमने लिख दिया, और आगे चलते हैं इसके अंदर। अब स्टार्टिंग से चलते हैं, दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट एंड लॉसेस इनकी रेशियो कितनी है, 4:1। आप देखो मेरे साथ, मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूं इनकी रेशियो कितनी है, 4:1। तो मैंने 4:1 लिख दिया लास्ट में। इनकी कैपिटल्स दे रखी है, कैपिटल्स है 90,000, 60,000, और ये कैपिटल है 1 अप्रैल की। और उसके बाद देखो एज पर पार्टनरशिप डीड, डीड में क्या क्या लिखा है, बहुत कुछ लिखा है डीड में। इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, जल्दी बताएं 90,000 कैपिटल है उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, जल्दी बताओ मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। बेटा 90,000 की कैपिटल है, उसका 10% इंटरेस्ट कितना होता है, 9,000। वेरी गुड क्वेश्चन। 60,000 की कैपिटल है, मन्नत आप देख लें फटाफट, जपनीत का भी आंसर आ गया, कितनी कैपिटल, 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 15,000। और आगे चलते हैं, ए को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ, पर मंथ बेटा 500 रुपए पर मंथ है, तो 500 × 12 कितनी मिलेगी, ए को सैलरी मिलेगी 6,000। बट अगर हम बी के बारे में चलते हैं, बी को सैलरी मिलेगी 500 पर क्वार्टर। आपको पता है कितने क्वार्टर होते हैं बेटा, आपको पता है एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं दोस्तों, 4 क्वार्टर होते हैं। मैं वो बता देता हूं आपको काशवी, 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर जरा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार। ये देखिए मेरे साथ, अगर हम यहाँ पे एक ईयर बना लेते हैं, ये ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से। 4 क्वार्टर होते हैं, 1, 2, 3, 4। ये जो पहले क्वार्टर की जो डेट आएगी, वो डेट आएगी 30 जून। उसके बाद इस क्वार्टर की जो डेट आएगी, ये आएगी 30 सितंबर, फिर इसकी डेट आएगी 31 दिसंबर, और इसकी डेट आएगी 31 मार्च। ये डेट्स मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर आप 1 अप्रैल से लेके 30 जून देखेंगे, बेटा 1 अप्रैल से 30 जून, तो पता है महीने कितने होते हैं, महीने होते हैं 3। आप दोबारा से 30 जून से लेके 30 सितंबर तक कैलकुलेट करो, जून से लेके सितंबर तक महीने होंगे 3। इट मीन सर महीने तो 3 होते हैं, मगर आई एम टॉकिंग क्वार्टर कितने होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 4 क्वार्टर होते हैं, और 4 क्वार्टर के हिसाब से आंसर आ जाएगा 2000। जिस बच्चे को डाउट था मैंने क्लियर कर दिया, और यहाँ पे आ गए 8000। चलिए ये भी बात समझ आ गई, और आगे चलते हैं। ए को कमीशन मिलेगा 2000 और बी को कमीशन मिलेगा 1000, दोनों का कमीशन भी दे रखा है। ए का कमीशन है 2000
और बी का कमीशन है 1000, तो टोटल कितना आ गया? 3000। कमीशन भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन आई थिंक हमने पूरा पढ़ लिया है। आगे क्या लिखा है? ए विड्रॉन 7000 एंड बी विड्रॉन 3000। विड्रॉन का मतलब होता है ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स तो सर यहाँ कहीं आती नहीं, तब कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है आपको। यहाँ ड्रॉइंग्स नहीं आती, यहाँ क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसका मतलब ड्रॉइंग्स का कुछ नहीं करना आपको, इस अकाउंट में नहीं आएगा। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। पूरे क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था, बस क्या नहीं दिया हुआ था? रिजर्व, क्योंकि रिजर्व अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अब जरा फटाफट देखें कितना आ रहा है टोटल। 180 और 1, ये टोटल आ रहा है 1,81,000। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,81,000, और उसके बाद हम माइनस कर देते हैं 15,000। 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 15 26,000। 181 में से 26,000 गए, तो ये आ गया 155। इट मींस जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल जो प्रॉफिट है ये कितना आ रहा है? 1,55,000। और इसको हमें किस रेशियो में बांटना है? 4:1 में। डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आएगा 31,000, और अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,24,000। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। चलिए फटाफट बताएं, कोई भी माइंड में अगर डाउट है तो। मैथ्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा? अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो आपको ये नेट प्रॉफिट दिया होता है, ये क्वेश्चन में दिया होता है। और आपने क्या करा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपने क्या फाइंड आउट करा? डिस्ट्रीब्यूटेबल और डिविजिबल प्रॉफिट। अब मैथ्स में क्या होगा, आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा, और आपको ऐसे ऐसे उल्टा 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 जाते जाते कहाँ पहुंचना है? नेट प्रॉफिट। तो बस आपको दिमाग लगाना है। ये सारी चीजें अभी क्या हो रही थी? माइनस, मैंने कैलकुलेटर से माइनस किया था। जब आप उल्टा चलोगे बेटा, उल्टा चलोगे तो प्लस करोगे या माइनस करोगे, ये बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। जब हम उल्टा जाएंगे, हमें उल्टा जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको करना पड़ेगा ऐड, ऐड करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमें करना पड़ेगा माइनस। अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो आप फाइनली कहाँ पहुंच जाओगे? नेट प्रॉफिट। बस उल्टा करना है और कुछ नहीं है। नॉर्मल आपने माइनस किया था, अब आप प्लस कर देना। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं जरा मैथ्स के क्वेश्चन को लिख के। ऐसे क्वेश्चंस आजकल आपके बोर्ड में एमसीक्यूज में बहुत आ रहे हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा ट्राई करा देता हूँ। बट ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा पहले आप सब बच्चे खुद अटेम्प्ट करें। यहाँ पे बस लिख देता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आप सब बच्चों ने स्टार्ट करने हैं ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज। चलिए बेटा रजिस्टर और पेन निकाल लो फटाफट और बनाते हैं क्वेश्चंस पर। मैं आपके साथ देखते हैं जरा क्वेश्चन कहाँ है। चलिए ये रहे हमारे पास थोड़े से क्वेश्चंस, हमें मिल गए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 39, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, और आप मुझे बताना है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको, यानी प्रसाद चढ़ाओ, नेट प्रॉफिट दे रखा है, बढ़िया कर रखा है काम। नेट प्रॉफिट है 150। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है 18,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है 2000। आपको निकालना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा बेटे। सिंपल हो गया क्वेश्चन, अभी मुश्किल करेंगे धीरे धीरे करके। जल्दी बताइए कौन क्या लगता है आंसर।
अगर मैं यहीं पे बना दूं, मैं यहीं पे बना देता हूं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहां पे आता है नेट प्रॉफिट 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है यहाँ पे 18,000। ड्राइंग्स आती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं ये बताओ कितना नेट डिविजिबल बचा। ये तो सिंपल हो गया सर, ये वाली साइड प्लस कर दो, ये वाली साइड माइनस कर दो, तो 152 में से अगर 18,000 गए तो आंसर आ रहा है 1,34,000। ये है आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट, आंसर आ गया डी। एमसीक्यू क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40। अब मैं आपका वेट करूंगा, आप सब बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40। नेट नेट प्रॉफिट यहां भी दिया हो और निकालना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। बेटा दिस क्वेश्चन गोज टू यू, आपने बनाना है जल्दी जल्दी। आराम से चलते हैं। नेट प्रॉफिट देता है 4,20,000। सैलरी दे रखी है दोस्तों पर मंथ है, ध्यान से, पर मंथ है सैलरी, फिर कमीशन दे रखा है, पार्टनर का कमीशन है 10,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 4,000। मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है, फटाफट फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे। अभी तक हमारे पास शाइना कह रही है डी। बेटा चेक करें एक बार कितना आंसर आ रहा है। काशवी का आंसर, अच्छा शाइना डी कह रही है, संजना ए कह रही है, और देखते हैं और सारे बच्चे क्या बोलना चाहते हैं। बेटा शाइना और सिमरन एक बार दोबारा रीचेक करें, सिमरन का आंसर आ रहा है ए। फटाफट प्लस माइनस की गेम थी। क्या मैं बना दूं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? बेटा जल्दी से बताओ मुझे सारे बच्चे। नेट प्रॉफिट है 4,20,000, काशवी का आंसर भी आ गया 4,20,000। सैलरी 5,000 पर मंथ है तो पूरे साल की हो गई 60,000। कमीशन है 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 4,000। तो बस ये बताना था ये कितना आ रहा है, और ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास आएगा 3,54,000। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं थी इसके अंदर, ये तो सिंपल है, सीधी कैलकुलेशन है, अगर रिवर्स कैलकुलेशन होती तो दिक्कत आती। चलिए मुझे एक और बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। रेंट पेड टू पार्टनर, दिमाग से बेटा गलत मत, रेंट पे करा है पार्ट टाइम, रेंट पेड टू पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिमरन का आंसर आ गया। बेटा रेंट पे सोचो जरा ध्यान से, ये देखो आपके सामने हमारी वर्कशीट भी है, वर्कशीट अभी आपको दिखाते हैं। रेंट पे ये देखें बेटा, रेंट पे टू पार्टनर मैंने पहले बार बार पूछ दिया, रेंट पेड टू पार्टनर कहाँ आता है? पी एंड एल, और पी एंड एल का मतलब क्या होता है? चार्ज। इन तीनों पॉइंट्स को आपने एकदम दिल से याद करना है, इट मींस आपको पता चल गया रेंट पेड सर अप्रोप्रिएशन नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, नॉट एन अप्रोप्रिएशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37, अब आप सबने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? कौन सी आइटम्स पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आती हैं? जल्दी बताइए।
सिमरन का आंसर सबसे पहले आया है काश्वी, दिशा, युक्ति, मन्नत, शाइना। कह रहे हैं कि सर इसका आंसर है सारी चीजें आती हैं बिहेवियरल एप्रोप्रिएशन। तो ये भी आपको एमसीक्यूज की भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, अंश का, जपनीत का आंसर आ गया। बेटे एमसीक्यूज के साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके अंदर। हम देखते हैं जरा इसके अंदर एक और पॉइंट। ये सारे क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, मैं आपको भेज दूंगा इसके अंदर बेटे, इसमें आसान आसान थे। और कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। एमसीक्यूज के अंदर सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। एक बच्चे को प्रॉब्लम भी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, हम करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 68। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ 6% पर एनम। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं और मेरे साथ साथ यहाँ पे देखेंगे जिन बच्चों को नहीं आता। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया था और एंड कब होता है 31 मार्च को। यहाँ पे एक्स की कैपिटल है 2 लाख, यानी यहाँ पे उसने कितना पैसा लगाया है, 2 लाख रुपए लगाया है 1 अक्टूबर को, यानी बीच में 1 अक्टूबर को ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, कितना पैसा और लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, बस इंटरेस्ट निकालना है 6%। वेरी गुड, युक्ति ने बता भी दिया। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं मन्नत, देखो आराम से, 2 लाख रुपए यहां लगाए थे, यहां से लेके आखिरी तक कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। 1 लाख रुपए लगाए हैं अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके आखिरी तक चेक करो कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। बस इस मंथ्स के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो मैं फटाफट यहां पे लगा के दिखा देता हूं। अगर हम बात करें 2 लाख का 12 मंथ्स और 6%, तो कितना हो गया, इस पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2 लाख का 6%, 12 महीने के लिए इस पर इंटरेस्ट आएगा 12,000। 1 लाख का 6% बट 6 मंथ्स के लिए, 6 by 12, तो ये आएगा 3,000। तो दोनों का अगर टोटल करा जाए तो करेक्ट आंसर इज डी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल मंथ्स निकालने थे जैसा आप करते थे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ पीएनएल एप्रोप्रिएशन और एमसीक्यूज पे डिस्कस कर लिए हैं बेटा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे।